Hi, I'm Ovin Tyagi and today's lecture is Maxima Minima. Maxima Minima में ना हमारे पास हम Maxima Minima को करेंगे steps में. Step 1, obtain the function which is to be maximized or minimized. Second step, reduce it into one variable. जो भी function हम obtain करेंगे उसमें एक से ज़्यादा variable हो सकते हैं. हमें कोशिश करना है कि उसे एक variable में reduce करें. Step 3, स्टेप थर्ड में क्या हमने जो फंक्शन माना है y इज इक्वल टू fx, लेट द फंक्शन बी y इक्वल टू fx, देन फाइंड करेंगे हम dy अपॉन dx. जब हम dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे तो हम आएंगे स्टेप फोर्थ पे. स्टेप फोर्थ में हमने dy अपॉन dx को जीरो रखेंगे. ये वो स्टेप है जिसमें हम ना x की वैल्यूज निकालेंगे. dy अपॉन dx को जीरो रखा हमने, इससे x की वैल्यूज निकल गई. मान लो x की वैल्यू x1 है, x2 है एंड सो ऑन. फिर आती हमारे पास स्टेप फिफ्थ. स्टेप फिफ्थ में हम ना सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. स्टेप सिक्स लास्ट स्टेप है, इसमें हम लोग चेक करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है एक्स इक्वल्स टू एक्स वन पर, देन ये केस हो जाएगा मिनिमा का. अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता तो ये केस हो जाएगा मैक्सिमम. एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड उस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. यह एक वर्ड आया एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि हमें क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज प्रूफ करना है. क्या फंक्शन बनेगा, प्रोडक्ट. लेट y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए, प्रोडक्ट इज x इंटू ए. वेरिएबल क्या हो गए हमारे पास, दो हो गए, एक x हो गया और एक a हो गया. अब इसे रिड्यूस करने के लिए ना, वन वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होगी. जैसे इन्होंने कहा सम इज 24, तो किसका सम होगा, x और a का. x प्लस a कितना हो गया 24. हमने ना यहां से a की वैल्यू निकाली, आ गई 24 माइनस एक्स. तो अब हमारे पास y हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स. हम सेकेंड स्टेप कर चुके हैं, जैसे हम कहा था रिड्यूस करना है वन वेरिएबल में, तो ये रिड्यूस हो गया वन वेरिएबल में. अब हमें जाना है थर्ड स्टेप पे. थर्ड स्टेप पे जाने के लिए हमें ना इसे पहले ये प्रोडक्ट करा लेते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर. अब आएंगे हम dy अपॉन dx. dy अपॉन dx हो गया हमारे पास 24 माइनस 2x. अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा. हम पुट कर रहे हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू जीरो, तो 24 माइनस 2x कितना हो गया जीरो. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x आ गया हमारे पास 12. ये जो x की वैल्यू है, इस वैल्यू पे हमें चेक करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव को. तो उससे पहले हमें सेकेंड डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा. dy अपॉन dx जो निकल के आया था हमारे पास, वो आया था 24 माइनस 2x. सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 0 माइनस 2 इंटू 1, तो आ गया माइनस 2. क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है तो हमें किसी वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये केस हो गया किसका, मैक्सिमा का. तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी किस पे, 12 पे. तो यहां हम पुट कर लेते हैं 12 इंटू 24 माइनस 12, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 12 इंटू 12, 144. इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन तैयार हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 14 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम. तो हमें यहां पे क्या करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम. तो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये हमने फंक्शन ऑप्टेन कर लिया, क्योंकि हमें इस फंक्शन में क्या कहा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम. तो दो पार्ट हमने मान लिए, एक पार्ट मान लिया x और एक पार्ट मान लिया a. 14 था हमारे पास नंबर, इसके हमने दो पार्ट माने x और एक a. तो सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, a, जो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस एक्स. क्यों, क्योंकि हमें इसे रिड्यूस करना है वन वेरिएबल में. तो वन वेरिएबल में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब हमारे पास ये वन वेरिएबल में आ गया. अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 14 माइनस एक्स 0 माइनस 1. तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस
2 इंटू 14 माइनस एक्स, हम थर्ड स्टेप कर चुके। अब हमें क्या करना है, पुट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स हम इज इक्वल टू जीरो इसलिए पुट कर रहे हैं जिससे कि हमारे वैल्यू निकल आए एक्स की। तो जब हमने इसे जीरो पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस टू एंड 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2x माइनस 28 और प्लस का 2x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 4x माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो। तो x आ गया हमारे पास 7। अब x इज इक्वल टू 7 पे हमें चेक करना है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सेकेंड टाइम। dy अपॉन dx हमारे पास निकल के आया था 2x माइनस, इवन ये लिख लेते हैं 4x माइनस 28, क्योंकि 2x है 2x 4x, 4x माइनस 28। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया यहाँ पे 4, ये हो गया 0। ये क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये केस हो गया किसका, मिनिमम का। अब मिनिमा किस पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 7 पे। तो मिनिमम वैल्यू जो है कि हमारे पास y की, वो क्या है कि y इज इक्वल टू x कितना हमारे पास 7, 7 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि y आ गया हमारे पास 49 प्लस 49, तो y आ गया 98। ये इस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। कब, जब x इज इक्वल टू 7 होगा। इन्होंने कहा था फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो एक नंबर तो x इक्वल टू 7 हो गया एंड दूसरा नंबर a, a कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 14 माइनस 7। तो एक नंबर तो हो गया हमारे पास a 14 माइनस 7 यानी कि 7, और दूसरा नंबर भी कितना हमारे पास 7, दैट्स इट। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड 15 इंटू टू पार्ट्स such that the square of one multiplied with the other multiplied with the cube of the other is minimum, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है लेकिन प्रैक्टिस के लिए है, ट्राई करना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड ए बी सी आर पॉजिटिव। इसमें ना वेरिएबल केवल एक्स और वाई होंगे, तो कोशिश करना कि इसे ट्राई करके देखो एक बार। नेक्स्ट, amongst all pair of positive numbers with product 256 find those whose sum is the least। तो हमारे पास ये तीन क्वेश्चन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट, प्रेस द बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वायरी प्लीज मैंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।